नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ तक पहुँची, क्या स्थिति हुआ, क्योंकि 2020 और 21 में पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन हो गई थी। अभी बात करेंगे 2022 में कौन से देशों के सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट हैं, कौन सा देशों के लोग कितने देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं, भारत के लोग बिना वीज़ा कितने देशों में जा सकते हैं, दो देशों ने भारत के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल और कर दिया है, ये अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा इंडिया के वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 कंट्री कौन सी है जिनके पावर सबसे ज़्यादा मजबूत है, देश के 8 ऐसे कौन से देश हैं जिनके पासपोर्ट सबसे डाउन रैंकिंग में है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 2022 में। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट की बात करें तो बता, जापान और जर्मनी का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा टॉपर हैं। जी हाँ, जर्मनी और जापान के पासपोर्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पे पहुंच गए हैं। जी हाँ, और अगर बात करें भाई सबसे डाउन पासपोर्ट तो पाकिस्तान के पासपोर्ट के हालात और भी बुरे हो गए। जी हाँ, 2020-21 में बात करें इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग घट गई थी, आपको पता होगा 90 पे पहुंच गई थी। जी हाँ, 2022 में वापस 7% बढ़ के 83 हो चुकी है। जी हाँ, पासपोर्ट रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था हेनली एंड पार्टनर्स वो एक सालाना सर्वे करती है। जी हाँ, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया उन्होंने, यानी 2022 का उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है। हर एक साल से एक आंकड़ा वो जारी करती है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग डाउन थी, यानी 90 पे पहुंच गई थी, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू कम हुई, इस साल 7% बढ़ के 83% हो चुकी है। जी हाँ, अगर बात करें कि इंडिया की अगर पासपोर्ट की बात करें तो साथियों अभी इंडिया के लोग 60 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, पहले 58 थे, अभी ओमान और अर्मेनिया ये दो देशों ने और फ्री कर दिया इंडिया के लिए, तो इंडिया के 60 देश हो चुके हैं जो बिना वीज़ा आप विदेश में घूम सकते हैं, अलग अलग देशों में। जो 60 देशों की बहुत सारी आपको जगह मिल जाएगी, जो मैंने भी बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हैं। बात करें जापान, सिंगापुर, ये जी हाँ सर, इन लोगों के वीज़ा पासपोर्ट होल्डर लोग 192 देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ, 192 देशों में इनको वीज़ा की जरूरत नहीं है। 207-8 कंट्री तो पूरी है भाई, 8-10 कंट्री ऐसी हैं कि वहां लोग जाते भी नहीं है, उन देशों का कोई अता पता नहीं है जो नक्शे में है। बाकी कोई छोटी मोटे देश हैं, कोई छोटा मोटा 15-20-30-50 हज़ार की संख्या वाले देश हैं, बाकी कोई है ही नहीं। जी हाँ, अगर बात करें आगे, भारत बता दूं 90 स्थान से खिसक के 83 स्थान पे पहुंच गया, यानी रैंकिंग में सुधार आया है। 60 देशों में लोग इंडिया के लोग घूम सकते हैं। ओमान और अर्मेनिया फ्री वीज़ा और कर दिया है 2022 में, आप सबको पता होगा। जी हाँ, वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पासपोर्ट के हालात इतने ख़राब हैं, उत्तरी कोरिया, किम जोन समझते हैं, सोमालिया जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश हैं, सोमालिया के लिए तो इंडियन सरकार भी मना करती कि वहाँ जाना नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यमन, इनसे भी पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन है पाकिस्तान की। जी हाँ, उत्तरी कोरिया की रैंक 104 है, सोमालिया की 106 है, यमन की 107 है, जबकि पाकिस्तान की रैंक आई है पासपोर्ट की 108वें नंबर पे। जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर मात्र 31 देशों में फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के बाद में सीरिया की बात करें 109 नंबर है, इराक की अगर बात करें तो 110 नंबर पे है, अफगानिस्तान का अगर पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो 111 देश हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर कितने ऊपर देश हैं, मात्र 3 ही देश से ऊपर पाकिस्तान है पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो, बाकी पाकिस्तान का पासपोर्ट डाउन रैंक में चला गया है। जी हाँ, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई इन देशों की रैंकिंग या पासपोर्ट की वैल्यू किस आधार पर तय होती है। देखिए, ये एक पूरे साल का सर्वे निकाला जाता है, इसमें लाइफ टाइम डेटा जोड़ा जाता है। जी, इसमें लाइफ टाइम डेटा, जैसे पाकिस्तानी लोगों ने कितने देशों के लिए फ्री वीजा ऑन अराइवल, ये पूरा ऑनलाइन होता है तो पता लग जाता है। इंडियन लोगों ने कितने देशों की यात्रा करी, बिना वीजा के यात्रा करी, पासपोर्ट पॉलिसी में, इमिग्रेशन में क्या बदलाव हुए, इससे रिलेटेड भी ये भी एक डिपेंड करता है। जी हाँ, फ्री देशों पे कौन से देशों की यात्रियों ने सबसे ज्यादा यात्रा करी। जी, इस ये आंकड़े निकल के आते हैं, फिर पता लगता है कि भाई ये पासपोर्ट की स्थिति ये है। जी हाँ, 10 देशों के वर्ल्ड, अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे 10 देशों के पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट माने जाते हैं। जी, वैसे कौन से देश हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल देश हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जापान और सिंगापुर। जी हाँ, 192 देशों में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है अगर बात करें तो। जी हाँ, आगे बात करें बेल्जियम, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए, 186 देशों में ये लोग जा सकते हैं बिना वीजा के।
जर्मनी और साउथ कोरिया के लोग बिना वीजा के 190 देशों में जा सकते हैं। जी हाँ, आगे अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, माल्टा, ये 185 देशों में जा सकते हैं बिना वीजा के। आगे अगर बात करें फिनलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग और स्पेन, 189 देशों में ये लोग जा सकते हैं बिना वीजा के। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ये 188 देशों में जा सकते हैं। पोलैंड, हंगरी, 183 देशों में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आगे बात करें लिथुआनिया और स्लोवाकिया, ये 182 देशों में जा सकते हैं। आयरलैंड और पुर्तगाल 187 देशों में जा सकते हैं। एस्टोनिया, लतविया और स्लोवानिया, ये 181 देशों में जा सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं ये वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर, इनका पासपोर्ट मजबूत है, ये इतने देशों में जा सकते हैं। अब अगर बात करें तो वर्ल्ड के सबसे 8 देश ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। जी हाँ, सूडान, अगर सूडान की बात करें तो 41 देशों में इनका ये बिना वीज़ा के जा सकते हैं। सोमालिया के लोग बिना वीज़ा के 34 देशों में जा सकते हैं। जी हाँ, यमन के लोग बता दूँ 33 देशों में जा सकते हैं। लीबिया, कोसोवो, बांग्लादेश के लोग 40 देशों में जा सकते हैं। पाकिस्तान के लोग 31 देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। जी हाँ, सीरिया 29 देशों में जा सकते हैं, सीरिया के लोग 29 देशों में। नॉर्थ कोरिया के लोग 39 देशों में जा सकते हैं। जी हाँ, नेपाल और फिलिस्तान के लोग 37 देशों में जा सकते हैं। इराक के लोग बिना वीज़ा के 28 देशों में जा सकते हैं। अफगानिस्तान के लोग 26 देशों में जा सकते हैं। तो साथियों, ये पासपोर्ट से रिलेटेड मैंने कुछ जानकारी आपको दी है, जिसमें सबसे अच्छे पासपोर्ट जिनकी वैल्यू बताई है, इंडिया की रैंक अच्छी है, बात है कि ठीक है, बड़ी है, 90 से 83 आ गई, यानी 60 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट और भी पिछड़ गया है, पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू कम हुई है, नो डाउट। जी हाँ यार, उत्तरी कोरिया, सोमालिया जैसे देश, यमन, इन देशों से भी अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट पिछड़ गया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बम फूटते हैं और कुछ नहीं है, वहाँ पे भूखमरी है, एकदम भयंकर तरीके हालात ख़राब हैं, उनके भी पासपोर्ट पाकिस्तान के एक पायदान ऊपर हैं, आप सोचिए। पाकिस्तानी लोग भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मंथन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस एक जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय